हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर वन इज, रिसेंटली इंडिया ग्लोबल वीक 2020 वॉज ऑर्गेनाइज इन लंडन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरिंग बिजनेस स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। So what was the theme of this event? So recently India Global Week 2020 जो कि organize किया गया था London में, जिसका objective था exploring business, strategic and cultural opportunities, हमें उसका theme बताना है। Okay, so let us discuss about this. So Prime Minister has addressed this session of a 3-day virtual conference of India Global Week 2020 that was organized in London, UK by India Inc. Alright, and it also marks 100th birth anniversary of Pandit Ravi Shankar, who was a great सितार प्लेयर, कंपोजर एंड सिंगर। ऑलराइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया ग्लोबल वीक 2020, सो गाइस द थीम वाज बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड वाज द थीम ऑफ दिस इवेंट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इवेंट वाज टू एक्सप्लोर बिजनेस स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज एंड अदर देन दिस अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस as the world looks ahead to a better or brighter future beyond COVID-19. COVID-19 के बाद जो हमारा future होगा उसके बारे में मंथन करने के लिए भी इस event को organize किया गया था। Okay, and if we talk about the significance of this event for India, so India is playing a leading role in the global revival as it has brought India's ancient culture, that is Ayush, universal peaceful ethos and the beauty of classical music to the world. Right, so India is a global revival of so many things. एंड ग्लोबल ऑडियंस की अगर हम बात करें तो दिस इवेंट हैज हेल्प्ड इंडिया टू ब्रिंग द अपॉर्चुनिटीज इन द फ्रंट ऑफ ग्लोबल ऑडियंस एंड मेड द लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड यूके स्ट्रॉन्गर एंड इट वुड फोकस ऑन इंडियाज ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस एज इट हैज डन मेनी रिफॉर्म्स लाइक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर एंड अदर देन दिस जो रिफॉर्म्स होंगे एग्रीकल्चर में वो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा इन द फील्ड ऑफ स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स। ओके, and it will also help in improving the Invest India program and it has recognized India's efforts towards revival with care, compassion and sustainability both for the environment and the economy. India is playing a leading role against the battle in COVID-19. So us jo India ka jo battle hai against the COVID-19 usko काफी ज्यादा recognize किया गया in this event. And if you talk about India's global way, so it is a annual flagship event that is organized by India Inc., which is a London-based media house. Okay, so this was all about the India Global Week 2020. Now the question was, what was the theme of this event? So guys, the theme of the event was Be the Revival, India and a Better New World. Be the Revival, India and a Better New World. And guys, इस समय आपको जो चीजें importantly याद रखनी है, that is इसका theme याद रखना है, इसका objective याद रखना है, ये आपसे exam में पूछा जा सकता है। एंड सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया की बात करें तो अगर आपको ये सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया अगर रिमेंबर होता है देन दैट इज फाइन, अदरवाइज ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज अबाउट द सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एट यूएन हाई लेवल पोलिटिकल फोरम और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे अटेंशन टू इट। सो क्वेश्चन टू इज, नीति आयोग प्रेजेंटेड सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एट यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स एसडीजी। इनमें से क्या वो फैक्टर नहीं है जिसने की कॉन्ट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री जो है गाइज वो भी इसी पे बेस्ड है, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू के ऊपर, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू डिस्कशन फर्स्ट। So, Niti Aayog presents second voluntary national review at UN's high level political forum on sustainable development 2020. And there was also one report that was released, India VNR 2020. And this report was titled as Decade of Action, Taking SDGs from Global to Local. Decade of Action, Taking SDGs from Global to Local was the title of the report, India VNR 2020. Okay. And if we talk about the factors that enhanced India's progress towards SDGs, these are Sashakt Bharat, Sabal Bharat. Guys, बहुत सारे campaign चलाए गए थे. There were so many campaigns that was run by the government of India, जिसकी मदद से काफी ज़्यादा India ने progress achieve किया है towards attainment of sustainable development goals. Towards achievement of sustainable development goal, काफी ज़्यादा
कैंपेन चलाए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी मदद से काफी प्रोग्रेस हुई है इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट सशक्त भारत, सबल भारत, सो अंडर दिस इंडिया हैज सक्सेसफुली लिफ्टेड मोर देन 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी. अंडर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, वी ऑल नो इंडिया अचीव 100% रूरल सैनिटेशन एंड शार्प रिडक्शन इन स्टंटिंग एंड चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट्स. अंडर समग्र भारत एंड सक्षम भारत, विच इन इंग्लिश इज नोन एज इंक्लूसिव एंड एंटरप्रेन्योरियल इंडिया, सोशल इंक्लूजन इज परस्यूड थ्रू यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस टू न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन एंड अदर थिंग्स, एंड डेवलपिंग कैपेबिलिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट. सिटीजन्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, स्टूडेंट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट का जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड नेक्स्ट इज सतत भारत, सनातन भारत. सो अंडर दिस इंडियाज क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेटजीज कॉल फॉर क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम्स, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लांट इको रिस्टोरेशन. जो हमारे एनवायरमेंट की रिस्टोरेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है उसको भी, उसकी मदद से भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की टूवर्ड्स प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया है. ओके, एंड लास्ट इज संपन्न भारत, समृद्ध भारत. सो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी विद अ यंग पॉपुलेशन एंड बर्ग्योनिंग इनोवेशन एंड बिजनेस इकोसिस्टम. जो इंडिया की मार्केट है गाइस, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी एमर्जिंग मार्केट है, और जिसमें वी ऑल नो देयर इज अ यंग पॉपुलेशन जो कि काफी कैपेबल है ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडियाज वीएनआर एट ग्लांस, मतलब इंडिया में जो इंडिया का जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू था उसके बारे में हम थोड़ा सा समराइज होकर अगर पढ़ते हैं गाइस. सो इंडिया प्रेजेंटेड इट्स वीएनआर अलॉन्ग विद अदर सेकंड टाइम प्रेजेंटर्स लाइक जॉर्जिया, केन्या, मोरक्को, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, युगांडा एंड बांग्लादेश, राइट? एंड इंडिया हैज अचीव्ड दिस प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, प्रोवाइडिंग फूड सेफ्टी, एंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल, यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन कुकिंग फ्यूल एंड सैनिटेशन, and operationalizing the world's largest health insurance program Ayushman Bharat by covering 500 million citizens. So ye kuch cheeze hain jisme India ne bahut hi bada, bahut hi remarkable progress achieve kiya hai. And India's VNR this year has undertaken a shift in terms of embodying a whole of society approach in the letter and spirit. India ki jo approach hai wo pure samaj ko ek sath leke chalne ki hai, whole of society approach follow ki gayi hai in the VNR this year. And India has been playing a leading role in promoting global platforms like International Solar Alliance को बनाने में Government of India, Prime Minister of India का impact, और जो France के President है उनका काफी बड़ा role था. International Solar Alliance is also headquartered in Gurugram. Okay, and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and the active participation implementing the Sendai framework and UN Convention to Combat Desertification and Paris Climate Agreement. So, in सभी चीजों में इंडिया ने, इन सभी platforms में इंडिया का काफी बड़ा leading role रहा है. So, India is playing a major role towards achievement, progress towards SDGs. Now, if we talk about the way forward India के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं. So, there is a need of multi-stakeholder engagement. SDG India Index 3.0 लाना पड़ेगा. SIF, DIF and dashboards in all states, identifying means of financing, improve statistical statements, capacity building. So these are the way forwards for India if we want to achieve more towards progress of SDG. Now let's talk about UN High Level Political Forum. So guys, its establishment was mandated in the 2012 by UN Conference on Sustainable Development, and it is the platform for international review of the 2030 agenda, which meets annually since 2016. ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये 2012 में establish हुआ था तो इसका जो meeting है वो start हुई थी 2016 में under auspices of UN ECOSOC. Okay, and in this member countries present their VNR on implementation of SDGs. जो भी जितने भी member countries है वो अपना voluntary national review provide कराते हैं on the implementation of SDGs. And this year guys the theme was accelerated action and transformative pathways, realizing the decade of action and delivery for sustainable development. इतना लंबा थीम आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो केवल इतना होगा, accelerated action and transformative pathways. अगर आपके ऑप्शन में ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उसमें ऑप्शन गाइस यही वाला होगा, accelerated action and transformative pathways. Alright. Now let's move on to question number 2 and 3. This was all about India's voluntary national review.
So question number 2 is, which of the following is not one of the factors that contributed towards India's progress towards SDG? Sashakt Bharat, Sabal Bharat, yes, iske antargat humne jo poverty hai usko reduce kiya hai. Swachh Bharat, Swasth Bharat, stunting ke level ko reduce kiya hai, and of course 100% rural sanitation. Samagra Bharat, Saksham Bharat, Sampann Bharat, Samriddh Bharat, Sampurn Bharat, Sajag Bharat, guys, aisa koi bhi campaign nahi hai. So therefore the correct answer is what? Option E. Sampurna Bharat, Sajag Bharat. Now question number 3 is about UN High Level Political Forum. So with respect to UN HLPF, identify the incorrect statements. Hame incorrect statements ko identify karna hai. So statement number 1 is, its establishment was mandated by, I think there is something missing, yes. So its establishment was mandated by UN Conference on Sustainable Development. Yes, this is absolutely correct. It is the platform for international follow-up and review of the COP21 Paris Agreement. No guys, this is incorrect, absolutely incorrect. Ye keval jo 2030 agenda hai uske liye hai. It works under the auspices of UN General Assembly. Nahi, ye UN General Assembly ke nahi, UN ECOSOC ke andar kaam karta hai. So this statement is also incorrect. So therefore the correct answer should be option B. Only 2 and 3. Only 2 and 3 will be the correct answer. Now let's move on to question number 4, which is about Indian Railways going green. Okay, so question 4 is, Indian Railways is working on a mission mode towards becoming green by 2030. For this, various strategies have been developed by Indian Railways. Which of the following is not one of them? India ki jo railway hai wo mission mode pe kaam kar rahi hai taki completely green railways mein convert ho sake by the year 2030, aur iske liye kafi sari strategies को develop किया गया है by Indian Railways. हमें बताना है कि इनमें से क्या वो नहीं है. Okay, so let us discuss this. So Ministry of Railways, with the goal of transforming Indian Railways into green railways by 2030, has taken a number of initiatives towards mitigation of global warming and combating climate change. And what are the strategies of achieving net zero carbon emission? कुछ strategies हैं जो कि railways द्वारा अपनाई गई हैं towards achieving net zero carbon emission, like इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ लोकोमोटिव्स एंड ट्रेन. जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं, ट्रेन्स हैं, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा. ग्रीन सर्टिफिकेशन फॉर इंस्टॉलेशंस और स्टेशंस, फिटिंग बायो टॉयलेट्स इन कोचेस एंड स्विचिंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो दीज आर द सम स्ट्रेटजीज दैट इज टू बी फॉलोड बाय इंडियन रेलवेज फॉर अचीविंग द नेट जीरो कार्बन एमिशन. ऑलराइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द टारगेट्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अचीवमेंट सो फार, अभी तक कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है एंड व्हाट आर द टारगेट्स. So Indian Railways has fixed the target of electrification of 7,000 route kilometer for their financial for the financial year 2021. Financial year 2021 के लिए 7,000 route kilometer को electrify किया जाएगा as target fixed by Indian Railways. All routes on broad gauge network have been planned to be electrified by December 2023. This is very important. ये आपके exam में आ सकता है. December 2023 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क पे जितने भी रूट्स हैं उन सभी को इलेक्ट्रिफाई कर दिया जाएगा. एंड इंडियन रेलवेज हैज कंप्लीटेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोर देन 40,000 रूट किलोमीटर, विच इज 63% ऑफ द ब्रॉड गेज नेटवर्क. ओके, अब तक 40,000 रूट किलोमीटर को इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया है. सो दिस इज अबाउट द टारगेट्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अचीवमेंट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे ने काफी सारे स्टेप लिए हैं ताकि रेलवेज में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट किया जा सके, उसको यूज किया जा सके. लाइक फॉर एग्जांपल, इंडियन रेलवेज इज वर्किंग टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ 500 मेगावाट एनर्जी थ्रू रूफटॉप सोलर पैनल्स. रूफटॉप सोलर पैनल्स के जरिए 500 मेगावाट एनर्जी को हार्नेस किया जाएगा बाय रेलवेज. एंड अभी तक 100 मेगावाट सोलर प्लांट्स को कमीशन किया जा चुका है ऑन द रूफटॉप्स. राइट, टेंडर्स आर ऑलरेडी अवॉर्डेड फॉर 245 मेगावाट एंड टारगेट फॉर कंप्लीशन ऑफ दीज प्लांट्स इज दिसंबर 2022. And also in the wind energy sector, 103 megawatt wind based power plants have already been commissioned, and Indian Railways has also planned to set up 200 megawatt wind energy plant in the next 2 years in Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan and Karnataka. अब गाइस, आप लोगों के सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि इतना सारा डेटा, इतनी सारी चीजें हमें कैसे याद रखी जाए. सो गाइस देखिए, जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है, और या अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी में ईएसआई सेक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम आरबीआई ग्रेड बी के ईएसआई सेक्शन की बात करें तो इसमें इतना सारा डेटा नहीं पूछा जाता. सो अगर हम पर्टिकुलरली ईएसआई की बात करते हैं, सो दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट टू यू गाइस. ऑलराइट, दीज स्ट्रेटजीज आर इंपॉर्टेंट टू यू बिकॉज ये पूछी जा सकती है, बट ये वाले जो डेटा है ये इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते. बट यस, अगर आप मेन्स का एग्जाम लिख रहे हैं यूपीएससी का,
then you can use some of these data. अगर कोई क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी पे आता है कि दैट लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये एन्यूमरेट करना हो दैट इलैबोरेट द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री एंड देयर बाय कंबैटिंग द क्लाइमेट चेंज. ओके, सो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, क्योंकि इंडियन रेलवेज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है. सो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं. ओके, so now what are the other green initiatives? So 100% LED illumination of building and stations, guys. जैसे कि ये वाला point है, ये वाला point easily याद रखा जा सकता है. So this point you can easily use anywhere. अगर मान लो कि RBI grade B में ऐसे भी आता है तो अगर renewable energy से, so you can use these points, right? So 100% LED illumination किया जाएगा of building and stations. Indian Railways has also acquired green certification from CIIII. To 7 production units, 39 workshops, 6 diesel sheds and 1 stores depot. Now if you talk about this point, अगर मान लो कि आपको ये point याद पूरा नहीं रहता, but आपको अगर इतना point याद रहता है यहाँ तक, that Indian Railways has also acquired green certification from CII to its some production units. Alright, आपको ये सारे numbers याद नहीं रहते, आप इसके आगे लिख सकते हैं to its various production units. Alright, इस तरीके से आप points को लिखेंगे तो examiner आपके marks नहीं काटेगा. Alright. इस तरीके के भी पॉइंट्स को लिखा जा सकता है, पॉइंट रेलेवेंट होना चाहिए, बस दैट्स इट. जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हम लॉट ऑफ डेटा फिलअप करते रहें. ओके, 14 रेलवे स्टेशन एंड 21 अदर बिल्डिंग्स और कैंपसेस हैव आल्सो बीन ग्रीन सर्टिफाइड एंड अदर देन दिस 215 स्टेशंस हैव बीन सर्टिफाइड विद एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ गाइस, दिस से मेरे को एक क्वेश्चन याद आता है कि कैन यू टेल मी द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन जिसको सबसे पहले ISO सर्टिफिकेशन मिला था बाय NGT. टेल मी द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन which have got the first ever ISO certification from NGT. Write down in comments. So now let's move on to the question. This was about the mission mode towards becoming green of Indian Railways. So the question was, which of the following is not one of them? So option A is improving energy efficiency of locomotives and trains and fixed installations. Yes, this is one of the strategy. Green certification for installations or stations. Yes. Using biodiesel in locomotives. नहीं guys, अभी biodiesel को use करने का कोई provision नहीं लाया गया है, कोई strategy नहीं लाई गई है by Indian Railways. So therefore, the correct answer should be what? Option C. Now let's move on to question number 5, which is the last question for today. So recently, virtual ministerial on climate action was organized, which was chaired by European Union, China and Canada. India's achievement in combating climate change were appreciated. Which of the following statements is are correct with respect to India's achievements in combating climate change? So recently, a virtual ministerial conference was on climate action, जिसको chair किया European Union, China और Canada ने. So उसमें India की जो climate change को खत्म करने की जो steps हैं, उसके बारे उसको काफी appreciate किया गया. So हमें ये बताना है कि उसके बारे में कौन सी statements incorrect हैं. Alright. So let us discuss this. So this is the fourth edition of the virtual ministerial on climate action that was organized to advance discussion on implementation of Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Now you must remember this ki ye jo ministerial hui thi ye kyon hui thi. So that was to advance discussions on implementation of the Paris Agreement. All right. It was co-chaired by European Union, China and Canada. And the participating countries exchanged their views on how they are aligning economic recovery plans amidst this COVID-19 with the Paris Agreement. And India highlighted that developed countries have not fulfilled their promises of providing financial and technical support to the developing countries. India ne ye highlight kiya ki kuch developed countries hain jinhone actually $1 trillion jo developed countries hain unka promise hai that they will provide $1 trillion by their 2022 developing countries. वो उन्होंने fulfill नहीं किया है, तो उसको जल्द से जल्द fulfill कर देना चाहिए. Alright, now what are the India's efforts in combating climate change? So guys, through Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, India has provided more than 80 million LPG connections to its households. Under Ujjwala scheme, India has distributed more than 360 million LED bulbs. India has also shifted from Bharat Stage 4 to Bharat Stage 6, जहां पे हमें शिफ्ट होना था 2024 में, वहां पे हम 1st April 2020 को ही शिफ्ट हो चुके हैं. It had levied a coal cess as part of one of the most explicit green initiatives. And under Smart Cities Mission, there is one Climate Smart Cities Assessment Framework 2019, which intends to provide a roadmap for cities and urban India towards combating climate change. So these are some India's
efforts from Indian government in combating climate change, and India is doing well. Now, if we talk about India's achievements, India has achieved a reduction of 21% in emission intensity of its GDP between 2005 and 14. Its renewable energy installed capacity has increased by whooping 226% in the last 5 years, and it stands more than 87 gigawatts. पिछले 5 सालों में 226% की increment आई है in the installation of renewable energy. The share of non-fossil sources in installed capacity of electricity generation increased from 30.5% to 37.7%. जो non-fossil sources से जो हमारी electricity generation होती है उसमें भी काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है. And India's total forest and tree cover is now 24.56%, although it is quite less than the global target, which is according to the international convention. जो भी कंट्री का टोटल एरिया है, जो उसका 1/3 पोर्शन है, वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए. सो इंडिया का 33.33% से थोड़ा सा कम बचा है, बट येस, इंडिया विल अचीव दैट ऑल्सो, राइट. And currently it is 24.56% of the total geographic area of the country. Okay guys, so this was about the ministerial for climate action. Now let's move on to the question. So the question is, which of the following statements that are incorrect with respect to India's achievements in combating climate change? So statement one is, India has achieved a reduction of 31% in the emission intensity of GDP. No guys, it is not 31%, it is 21%. So which means this statement is incorrect. Its renewable energy installed capacity has increased by 226% in the last 5 years and stands more than 87 gigawatts. This is absolutely correct. India's total forest and tree cover is 29.4%. No, it is 24.56%. So this is also incorrect. So therefore, the correct answer should be what? Option C. Only 1 and 3. Only 1 and 3 is the correct answer. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे. आई होप यू लाइक इट. आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.